हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिंग होम 24। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एचपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए जीके के कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को अंत तक देखिएगा, और जितने क्वेश्चन आपको इसमें आते हैं तो उन सभी को अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर कोचिंग होम 24 पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उन सभी की जो है नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन है, महल मौर्या जहाँ 1805 ईस्वी में संसार चंद और गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा के बीच लड़ाई हुई थी, किस जिले में है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो महल मौर्या स्थान है वो किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का अगर आंसर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन बी, हमीरपुर में। जी हाँ फ्रेंड्स, हमीरपुर में स्थित है महल मौर्या। तो उसके बाद क्वेश्चन है कि 1820 ईस्वी में सुकेत आने वाले प्रथम जो यूरोपीय थे वो कौन थे? तो ऑप्शन है हचिसन, मूरक्राफ्ट, मायो, कर्जन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मूरक्राफ्ट। बिलियन जो मूरक्राफ्ट हैं वो 1820 में सुकेत में आने वाले पहले यूरोपीय थे। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन है, लॉर्ड इल्गिन द्वितीय किस वर्ष मंडी में आए थे? तो इसका राइट आंसर होगा 1899 में, ऑप्शन ए यहाँ से जो है राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सेब का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ से राइट आंसर सभी को पता होगा, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिमला। शिमला में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है हिमाचल में सेब का। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति हिमाचल प्रदेश की किस फसल की दो प्रसिद्ध किस्में हैं? तो देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ से जो कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति है, ये आलू की प्रसिद्ध किस्में हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, प्रदेश में कल्याण 16, सोनालिका और RR21 जो है किसकी प्रसिद्ध किस्में हैं, किस फसल की जो प्रसिद्ध किस्में हैं? तो देखिए, इस क्वेश्चन को या अकेला भी पूछा जाता है कि कल्याण सोना किसकी प्रसिद्ध फसल है, सोनालिका, और अभी इसको इकट्ठा बना के पूछा है तो आपको बताना है कि किसकी ये जो है प्रसिद्ध किस्में हैं। तो देखिए, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चावल की, गेहूं की, सॉरी, गेहूं की प्रसिद्ध फसलें हैं जो किस्में हैं ये सोनालिका और RR21। उसके बाद क्वेश्चन है कि किस स्थान पर भेड़ प्रजनन खोला गया है हिमाचल में? ऑप्शंस हैं ज्यूरी, शिमला, नगवाई मंडी, ताल हमीरपुर, या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। जी हाँ फ्रेंड्स, सभी स्थानों पर वो है भेड़ प्रजनन केंद्र खोला गया है। तो ध्यान रखना है ज्यूरी शिमला में है, नगवाई मंडी में, ताल हमीरपुर में। तो क्वेश्चन है कि किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन ए, द्योली, बिलासपुर में। तो द्योली जो बिलासपुर में स्थित है उसमें एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य केंद्र स्थित है। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट, देखिए कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव बिहार कौन सा है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं शिकारी देवी, रेणुका, छिल्ली, या फिर सिंबलवाड़ा। तो करिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट अगर आपको मालूम है इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन सी। देखिए, शिल्ली जो है सोलन में स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जो है वन्य जीव अभयारण्य बिहार है। और देखिए, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें छिल्ली की, तो ये है 2 स्क्वेयर किलोमीटर। और साथ में अगर बात करें कि सबसे बड़ा जो है वन्य जीव बिहार कौन सा है, तो वो है किब्बर। और इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 1400 स्क्वेयर किलोमीटर है, और ये स्थित है लाहौल स्पीति में। तो ध्यान रखना है किब्बर का भी आपको। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है सबसे बड़ा, देखिए अभी आपको बताया कि सबसे बड़ा जो वन्य जीव बिहार है वो है किब्बर लाहौल स्पीति में। एरिया भी आपको ध्यान रखना है 1400 स्क्वेयर किलोमीटर। और देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, प्रदेश के पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क को राष्ट्रीय पार्क की मान्यता कब दी गई? तो बताना है जो पिन घाटी है उसको राष्ट्रीय पार्क की मान्यता कब दी गई थी। तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1987। तो 1987 में जो है पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क को जो राष्ट्रीय पार्क है उसकी मान्यता दी गई थी। तो क्वेश्चन है यहाँ से, देखिए, प्रदेश के मंडी जिले में गुम्बा और द्रंग नामक जो खाने हैं उस पर किसका नियंत्रण है? तो देखिए, सबसे पहले तो ध्यान रखना है जो गुम्मा और द्रंग है ये नमक की खाने हैं, और ये स्थित है मंडी ज़िले में। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए कि किस का इस पर जो है क्षेत्र है, किसका नियंत्रण है,
तो ये क्या वो राज्य सरकार का है, निजी क्षेत्र का है, या फिर केंद्र सरकार का है, या फिर विदेशी कंपनी का है। तो देखिए, इस क्वेश्चन की बात करें तो इस पे जो नियंत्रण है वो केंद्र सरकार का है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो देखिए, क्वेश्चन है, गिरिराज हिंदी साप्ताहिक का प्रकाशन किस स्थान से होता है, हिमाचल प्रदेश में कहाँ से होता है। तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, गिरिराज आपको बताना है। देखिए, तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो गिरिराज जो है वो शिमला से इसका प्रकाशन किया जाता है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ से बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन है कि लाहौल स्पीति में कुट उत्पादन कहाँ जो है शुरू हुआ। तो जो कुट का उत्पादन है वो कहाँ पर स्थित जो है, कब शुरू हुआ था, आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं और ध्यान रखना है, लाहौल स्पीति में इसका उत्पादन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो उत्पादन किया गया था, शुरू वो किया गया था 1925 में। तो यहाँ से ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि मंडी जिले में पाई जाने वाली संतरोजा और मैरीगोजा किसमें किस फसल से संबंधित है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताना है कि संतरोजा और मैरीगोजा जो है किसकी किसमें है। तो जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए अगर आपको आता है, इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो पलम जो है ऑप्शन ए जो है यहाँ से बिल्कुल सही उत्तर होगा। पलम की जो प्रसिद्ध ये किस्में हैं, संतरोजा और मैरीगोजा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए सिरमौर जिले में उगाई जाने वाली किस फसल की एक किस्म लिंकन बोन बिला है। तो बताना है आपको, लिंकन बोल बिला जो है वो किसकी, सॉरी, लिंकन बोन बिला जो है किसकी प्रसिद्ध फसल की किस्म है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मटर की। जी हाँ फ्रेंड्स, मटर के इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से सोलन गोला किस सब्जी की किस्म है। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है ऑप्शन ए, टमाटर की। तो टमाटर की जो है ये सब्जी की किस्म है सोलन गोला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक सेब उत्पादन होता है। तो वो होता है ऑप्शन डी, शिमला में। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति हिमाचल प्रदेश की किस फसल की किस्में हैं। तो ये हैं फ्रेंड्स ऑप्शन बी, आलू की। तो ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद क्वेश्चन है, प्रदेश में कल्याण सोना, सोनालिका और RR21 जो है किसकी प्रसिद्ध किस्में हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन, जो आपको नहीं दिए हैं ऑप्शन यहाँ से अगर आप बात करें तो सही उत्तर जो होगा वो होगा गेहूँ। तो ये गेहूँ की प्रसिद्ध फसलें की किस्में हैं, ध्यान रखना है क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन है, बुंडा त्यौहार किस से संबंधित है। तो ये जो HP क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था, हाई कोर्ट क्लर्क, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, बुंडा अगर फेस्टिवल की बात करें तो ये रिलेटेड है परशुराम से, ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन है, भारत पर सर्वप्रथम हमला करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम। तो यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो देखिए क्वेश्चन है, धामी गोलीकांड की घटना कब हुई थी। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 16 जुलाई 1939 को। तो 16 जुलाई 1939 को जो है धामी गोलीकांड हुआ था। तो ध्यान रखना है, देखिए बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या था। तो इस बैजनाथ का प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन नाम है कीरग्राम। तो कीरग्राम के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में बैजनाथ को। और क्वेश्चन है कि सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं। तो सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ से। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है सीमांत गांधी, यानी फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है। और उसके बाद क्वेश्चन देखिए, बात करें कि राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है। तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, फ्रेंड्स करिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट अगर आप आता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन डी, 14 दिन तक जो है राज्यसभा में धन विधेयक को अधिकतम रोका जा सकता है। और उसके बाद देखिए, एलिफेंटा दर्रा जो है किस देश में स्थित है, एलिफेंटा जो पास है वो किस देश में स्थित है। तो एलिफेंटा दर्रा की बात करें तो ये स्थित है श्रीलंका में, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन है, जैनियों को समर्पित दिलवाड़ा मंदिर किस स्थान पर स्थित है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा माउंट आबू, राजस्थान। तो अगर आपसे स्टेट की बात करें तो वो होगा माउंट आबू, ठीक है फ्रेंड्स।
और साथ में अगर आपसे वो पर्टिकुलर स्थान की बात, माउंट आबू, अगर स्टेट की बात करें तो वो है राजस्थान। तो देखिए क्वेश्चन है, यहाँ से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, सिखों के शासनकाल में कांगड़ा का प्रथम निजाम कौन था? तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, सिखों के शासनकाल में कांगड़ा का प्रथम जो निजाम था वो था ऑप्शन ए, देसा सिंह मजीठिया। जी हाँ फ्रेंड्स, देसा सिंह मजीठिया जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो देखिए साथ में अपनी स्कोरिंग जरूर काउंट करते जाइएगा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी, 68। 68 जो है टोटल जो है विधानसभा सदस्यों की संख्या है। और राज्यसभा अगर किस सदस्यों की बात करें तो वो है 3, अगर लोकसभा सदस्य की बात करें तो वो है 4। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन को। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कुंजुम दर्रा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स कुंजुम दर्रा की बात करें तो ये स्थित है लाहौल स्पीति में। ठीक है फ्रेंड्स, लाहौल और स्पीति में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। तो इसी प्रकार आगे भी आपके लिए वीडियोज़ आती रहेंगी, और जो अभी नेक्स्ट वीडियो होगी वो जनरल साइंस की होगी। तो ज़रूर उस वीडियो को भी देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने सुझाव जो है नीचे शेयर जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।